अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप ऑटोकैड उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको रूल सरफेस के बारे में बताऊंगा। रूल सरफेस को हम कैसे यूज करते हैं, चलिए थोड़ी सी मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं। बेसिकली इसमें होता क्या है, हम दो मुख्तलिफ शेप्स को एक जगह पर ज्वाइन कर देते हैं, यानी कि एक तरफ आपके पास लाइन है, दूसरी तरफ आपके पास सर्कल है, आर्क है, कुछ ऐसी शेप्स है। जब रूल सरफेस की ऑप्शन लगेगी, उन दोनों को आपस में वो मर्ज कर देगा, मर्ज करके जो शेप बन रही होगी वो आपके सामने लेकर आ जाएगा। ये कमांड भी आगे मोस्टली यूज होने वाली है, तो इसके पर भी आपने ज्यादा काम करना है। तो आइए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। तो मैं अपने पास अपने ऑटोकैड को ओपन कर देता हूँ। तो ये मेरा ऑटोकैड ओपन हो चुका है। सबसे पहला काम हमेशा की तरह डियर स्टूडेंट्स, आप यू एन एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड से यूनिट्स के लिए, इंजीनियरिंग और फिट्स रेंज होने चाहिए। देन डी एंटर करें डायमेंशंस के लिए, और मॉडिफाइड में जाने के बाद इसको भी आप इंजीनियरिंग फिट्स रेंज ओके और क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको क्लोज कर दिया ओके और क्लोज कर दिया। देन व्यू के अंदर जाए, आप व्यू में जाएं, डिस्प्ले के अंदर जाएं, यूसीएस आइकन को भी आपने ओरिजिन को आउट चेक आउट कर देना है। अब आप 2D व्यू पे हैं, यहां पे क्लिक करें तो आप एसडब्ल्यू सिमेट्रिक व्यू में चले जाएंगे। तो रूल सर्फ बेसिकली क्या है, आप ड्रॉ के अंदर जाएं, सरफेस के अंदर जाएं, तो देखें रूल सर्फ आ जाता है। सर्फेस ये क्या चीजें हैं, तो इस चीज को हम देख लेते हैं। इसके लिए मुझे कुछ डायग्राम्स बनानी होंगी, तो सबसे पहले वो मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। अब मैं स्टार्ट करूंगा एक सर्कल से। देखिए मेरे पास डियर स्टूडेंट्स यहां पर एक सर्कल है, मैंने ये सर्कल ये लगाया, कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूं। एक और सर्कल मैं यहां पर लगा देता हूं ये वाला, और मैं इसको मूव के ऑप्शन लगा देता हूं, शिफ्ट एट द रेट ऑफ एक्स जीरो है, वाई जीरो है, जेड पे मैं से ले जाता हूं तकरीबन 15 फीट की वैल्यू पे मैं से ले जाता हूं, बल्कि मूव करूंगा ज्यादा, शिफ्ट एट द रेट ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो, मैं इसको 50 फीट की वैल्यू दे देता हूं। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं मेरे पास ये शेप इधर ऊपर की जानब चली जाए, यानी कि नीचे से ये कम छोटी है, ऊपर जाने के बाद ये बड़ी हो जाएगी, ये सॉरी ऊपर छोटी है, नीचे आने के बाद ये बड़ी हो जाएगी। इस तरह की शेप बनाने के लिए आपको करना होता है, ड्रॉ के अंदर जाएं, सरफेस पे जाएं और आप रूल सरफेस पे जाते हैं। आप कहेंगे ये पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट के साथ मिला दें। अब देखें आपके पास ये क्या होगा, ये आपके पास एक शेप बन चुकी है इस तरह की। ठीक है, अब 3D फेसेस के अंदर सरफेस यहां पे देखें, टैप सरफेस में क्या होता था, टैप सरफेस में आप लाइन की पाथ के ऊपर चलते हो, उसमें आपके पास जो विड्थ होगी, जो उसका ड्रेस आपके पास उसका रेडियस होगा, जो आपके पास उसका डाया होगा, उसके मुताबिक लेकर जाएगा। लेकिन यहाँ पे नीचे वाला रेडियस आपके पास कम है, ऊपर वाला भी आपके पास, देखिए दोनों में डिफरेंट है, नीचे वाला ज्यादा है ऊपर वाला कम है, तो ये आपके पास ऐसे ड्रॉ होगी। अब इसके अंदर एक चीज यूज की जाती है, सर्फ टैप। अब वो सर्फ टैप क्या चीजें होती है, देखें अगेन मैं यहाँ पर कुछ यही सर्कल बना लेता हूँ, और अगेन एक और ये सर्कल ये बनाता हूँ। अगेन मैंने इसको मूव किया, शिफ्ट एट द रेट एक्स जीरो वाई जीरो, और मैं इसको 50 फिट्स की हाइट दे देता हूं। अब आप एस यू आर एफ टी ए बी सर्फ टैप 1 एंटर करें, तो यहां पे देखें बाय डिफॉल्ट मैंने जो एंटर किए थे थोड़ी देर पहले वो क्या थे, 12 थे। अब आप इसको यहां पर कर सकते हैं 24 कर दें, चलें 24 में एंटर कर दिए हैं। अब हम चलते हैं अगेन ड्रॉ के अंदर, सरफेस के अंदर और रिवॉल्व सर्फ रूल सरफेस, एक पॉइंट दे दिया और ये दूसरा पॉइंट दे दिया। अब देखें अब इन दोनों शेप में कितना डिफरेंट है, यहाँ पे कॉर्नर्स बने हुए हैं जबकि यहाँ पे बहुत छोटे से कॉर्नर्स बने हुए आ रहे हैं, लेकिन आपकी शेप बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। तो इसी तरह से इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं। देखें मैं एक आर्क बना लेता हूं अपने पास, उसकी डिफरेंट शेप करके, मेरे पास एक लाइन है यहां पे, ये मैंने एक लाइन ले ली है, और इसके अपोजिट में एक आर्क बनाना चाहूंगा, ये मैंने एक आर्क बना डाली है। मैं इसका सेंटर देख लेता हूं, मेरे पास का सेंटर क्या है, तो ये मेरे पास का सेंटर है, और सेंटर से सीधा मैं इसे मूव करके लाइन को आगे ले जाता हूं, यहां से इस लाइन को सीधा आगे की जानब लेकर चला गया। ठीक है, अब आप इसको इधर से मूव कर दें, शिफ्ट एट द रेट ऑफ एक्स जीरो है, वाई जीरो है, जेड में से तकरीबन 50 फिट्स की हाइट दे देता हूं, ये मेरे पास 50 फिट्स तक हाइट आ चुकी है इस शेप की। ठीक है, इस तरह से मैं इसके कोर कॉपी भी बनाऊंगा अपने पास जो इसके अपोजिट हो, मेरे पास मैंने कोर कॉपी बना डाला इसकी इसी शेप की, और उसको बिल्कुल मैंने इधर रखा साथ में, और इसको मिरर करके इसके अपोजिट कर देता हूं, ये मेरे पास अपोजिट आ चुकी है,
इसको मूव करके थोड़ा सा आगे जाने ले आता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास शेप्स बन चुकी है। अब डियर स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, मैं ड्रॉ के अंदर गया, सरफेस के अंदर गया, रूल सरफेस, मैंने कहा एक पॉइंट ये था, दूसरा ये था। तो देखें ये बिल्कुल परफेक्ट आपके पास ड्रा हो रहा है। याद रखिएगा यहाँ पे सरफेस की जो मैंने नंबर ऑफ सरफेस रखे हुए हैं वो मैंने यहाँ पे 24 रखे हुए हैं, लेकिन जब आप बाय डिफॉल्ट काम करते हैं एस यू आर एफ टी ए बी सर टैब 1 एंटर करें ऐसे, तो आपके पास ये 6 होते हैं। चले हम इसको बाय डिफॉल्ट वाली वैल्यूज लेते हैं। तो एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। तो देखिए अब ये आपके पास कुछ ये शेप ड्रा करेगा। ठीक है, आप इसको चारों तरफ से देख सकते हैं शेप्स को। देखिए ये आपके पास कुछ इस तरह से ये शेप ड्रा की जा रही है। ये ऊपर से बिल्कुल सीधा है, नीचे से गोल है, अपने आप को ये उसके मुताबिक कन्वर्ट कर देता है। ड्रॉ के अंदर आए, अगेन सरफेस के ऊपर जाए, टू सरफेस, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट आपके पास ये रहा। अब देखें जैसे इसको आप अपोजिट करेंगे तो डेफिनेटली फिर उसकी अपोजिट खुद ब खुद ही से एडजस्टमेंट करेगा। देखें आप देखें और देखें ऊपर जाके ये सीधी लाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये गोल नहीं रहते हैं, यानी कि ये इसको खुद ब खुद परफेक्ट शेप बना देता है। इसी तरह से अगर आपके पास दोनों तरफ से ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, जैसे मैं पॉली लाइन ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ये पॉली लाइन ले ली है और मैं आर्क एंटर कर देता हूँ ए, मैंने इसको ये कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं और ये मेरे पास मेरे पॉइंट्स आ चुके हैं, ये मैंने इसको मेरे पॉइंट्स दे दिए। ठीक है, इसी को अगर मैं ऊपर एक इस तरह की एक और छोटी शेप बना लूं, चले पॉइंट लाइन मैंने बना डाला 1, मैं से ए एंटर कर देता हूँ आर के लिए 2 3, और ये मैंने 4 पॉइंट्स इधर बना डाले हैं। ठीक है, अब मैं इसका आपकी मर्जी मर्जी आप इसका सेंटर लें या ना लें। चलें मैं ऐसा करता हूँ, इस मरता हूँ मैं इसके एंड टू एंड चला जाता हूँ। ये जस्ट इसलिए होता है आपके काम को डिफरेंट करने के लिए होता है कि आप जो जिस लेंथ पे काम कर रहे हो वो आपके पास लेंथ ठीक है कि नहीं है। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ और इसके बिल्कुल इधर एंड पर आ जाता हूँ। ठीक है, इसको डिलीट कर दें, आप मूव के ऑप्शन पे जाएं, शिफ्ट एट द रेट x0 y0। अब z पे जो मैं वैल्यू देता हूँ वो तकरीबन 45 फिट्स की देता हूँ क्योंकि मेरे पास एरिया बड़ा है, यहाँ पे मैंने इसको 40 फिट्स कर दिया। अब आप क्या करें, ड्रॉ के अंदर चलते हैं, सरफेस के अंदर चलते हैं और रूल सरफेस के अंदर चलते हैं। मैंने कहा इस पॉइंट्स को इस तक ले जाना। तो देखें अब यहाँ पे ये कुछ ऐसे शेप्स बना रहे हैं। अब ये शेप इसलिए ऐसे बना रहा है क्योंकि आपके पास यहाँ पर सरफेस कम है, आपके सर्फ टैप बहुत कम है। अगर आपके सर्फ टैप ज्यादा होते, एस यू आर एफ टी ए पी सर्फ टैप 1 एंटर करें, अगर आप इसको यहाँ पे दे देते 24। अब आप इसी ऑप्शन को अगर आप लगाओ तो आप देखिएगा फर्क कितना ज्यादा आपके पास आ जाएगा। आपने फिर ये पॉइंट दे दिया, दूसरा आपने ये पॉइंट इसका दे दिया यहाँ पे, तो देखें आपके पास डिफरेंट आपके बिल्कुल सामने निकल कर आ रहा है। अब अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ, देखिए मेरे पास ये बिल्कुल सीधी नजर आ रही है, देखिए नीचे से बिल्कुल सीधी है क्योंकि मेरे पास जो ये लाइनें हैं ये मैंने इनको बिल्कुल सीधा रखा हुआ है। अब चले इन लाइनों के एक्सिस को चेंज करते हैं। मैं मॉडिफाइड के अंदर गया, 3D ऑपरेशन रोटेट 3D, दोनों को मैंने सिलेक्शन दे दी है, एक पॉइंट ये रहा दूसरा इधर रहा और मैं इनको 90 पे दोनों को ले जाता हूँ। अब मेरे पास ये दोनों कुछ शेप्स ऐसे आ नहीं, मुझसे कुछ गलत हो गया, जो मैं चाह रहा था वो नहीं हुआ। वापस मॉडिफाइड, 3D ऑपरेशन रोटेट 3D सिलेक्शन, एक पॉइंट ये रहा दूसरा ये, मैं इसको 90 दे देता हूँ, ये है इसको कम एंगल्स पे लेकर जाना चाहूंगा, 3D ऑपरेशन रोटेट 3D और सॉरी मॉडिफाइड 3D ऑपरेशन और रोटेट 3D। ठीक है, एक पॉइंट ये दें और दूसरा पॉइंट आप ये दे दें, यानी कि इसको मैं एक्स पे 90 लेकर जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, फिर एक पॉइंट दे दें और दूसरा पॉइंट ये दे दें और फिर मैं इसको एक्स पे 90 लेकर जाना चाह रहा हूँ। अब मेरे पास ये दोनों शेप कुछ एक तरह से एंगल्स पर आ चुकी हैं। अब देखते हैं ऑप्शन तमाम वही हैं, सब कुछ वही है, सिर्फ एक क्लिक इधर कर दें, दूसरा क्लिक आप इसके इधर कर दें। ये देखें अब देखा आपने इसको उसने कैसे एडजस्टमेंट किया, ये देखें बिल्कुल परफेक्ट एडजस्टमेंट करके ला रहा है आपकी शेप्स को। ठीक है, इस तरह से एक और इसकी एग्जांपल देखते जाएं, इसका वीक पॉइंट्स क्या है, यानी कि इसकी अगर आप मिस्टेक करेंगे तो वो मिस्टेक क्या हो सकती है। आपके पास एक लाइन है, मैं एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे और एक और लाइन में यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, मैं
इसको अगर थोड़ा सा मूव ना भी करूं तो आप चले जाएं इधर, ड्रॉ किधर जाएं, सरफेस के पे चले जाएं और रिवॉल्व सरफेस के पे चले जाएं। देखें अगर आप एक क्लिक इधर करते हो, दूसरा क्लिक आप इधर कर देते हो, देखें तो बीच में ये क्या कर देगा, ये लाइनों को कर्व कर देता है। देखें ये लाइनें आपस में ट्विस्ट हो जाती हैं। तो अगर आपको ट्विस्टेड शेप चाहिए तो फिर आप तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये शेप नहीं चाहिए, ट्विस्ट वाली शेप नहीं चाहिए, तो फिर आप क्या करते हो, आप इसी ऑप्शन में जाएंगे, रूल सरफेस। आप देखें एक क्लिक इधर किया तो दूसरा क्लिक इसी साइड पे आपको करना होगा, तो फिर ये आपके पास बिल्कुल परफेक्ट शेप उठा कर लाएगा। अगर आप इसको दाएं बाएं शेप कर देते हो, यानी कि एक क्लिक आपने इधर किया, दूसरा आपने इधर क्लिक कर दिया, तो फिर इसको इधर से इधर कन्वर्ट कर देगा। तो स्टूडेंट्स इस लेसन में आपने इस चीज का ख्याल रखना होगा कि आपको जब क्लिक्स करने हैं बिल्कुल अपने पास परफेक्ट क्लिक्स होंगे। तो ये था हमारे पास रूल सरफेस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी शुरू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके पास एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमसे ऑटो कैड की डीवीडीज परचेज करना चाहते हैं, जिसमें ए टू जेड यानी कि वन टू ऑल ऑटो कैड को बताया गया है स्टेप बाय स्टेप्स करके 2D+3D। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, ऑटो एक्सपेकेडमी ने आपके लिए सीडी भी रेडी की है, जिसके अंदर 200 से ज्यादा मैप कलेक्शन मौजूद है, जिसके अंदर सेक्शन, एलिवेशन, प्लान, फाउंडेशन, स्टेयर्स, मुख्तलिफ किस्म के तमाम ऑब्जेक्ट्स आपको अवेलेबल होंगे वहां पे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी टाइम पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल के लिए मेरा एड्रेस है xpacademy@ymail.com, या आप स्काइप पे लॉग इन कर सकते हैं, स्काइप का लॉग इन है xpacademy, या आप मुझे हेल्पलाइन पे किसी वक्त कॉल कर सकते हैं 03439017779 पे। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।